अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. गलत बोल दिया ना. वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ज़ेनीस वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग. अभी हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं ईमान साहिबा के नेल पॉलिश रिमूव करने से, क्योंकि इनकी सिपारे वाली बाची इनको भूल के गई है कि बेटा बस अब हटा लो, अब लेम हो रही है अब. क्योंकि उस दिन लगाई थी मैंने नेल पॉलिश, इन लोगों को तैयार किया था, इनके स्कूल में फंक्शन था लास्ट फ्राइडे है ना, तो इसलिए लगाई थी. अब बस इसको रिमूव कर रही हूँ मैं. अभी थर्सडे को था, थर्सडे की रात को लगाई थी. हाँ थर्सडे की रात को लगाई थी. अभी माशाल्लाह दूसरा थर्सडे आ गया, हाँ एक हफ्ता हो गया. तो अब मैं बस इसको रिमूव कर रही हूँ, तो फिर ये रिमूव करते हैं, फिर बात करते हैं. नींद आ रही मुझे. ये देखें जी, ये इनके नाखून अभी अजीब ही हो गए, पूरी ग्रे लगाई थी, कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं है. अभी बस इसको रिमूव करते हैं नेल पॉलिश को. अच्छा मैंने भी अपने नाखून रिमूव कर लिए थे, कहीं नेल पॉलिश रिमूव करते हैं उसके बाद जल्दी से आते हैं. हो गया साफ हो गए इनके नाखून. ठीक है भाई, गुड, खुश. तो अभी हम लोग चीज लेकर आए हैं, गलती हो गई, मैं शूट करना भूल गए व्लॉग. हम लोग जा रहे थे और अभी रात के कितने बज रहे हैं देखना, 11:15 हो रहे हैं और हम लोग अभी चीज लेकर आए. लेकिन बाहर से लग नहीं रहा था, मतलब सुनसान था लेकिन उस साइड को बिल्कुल भी नहीं था. लोगों की कितनी हलचल मची हुई थी, इतने सारे बच्चे बाहर भी खड़े हुए थे, दुकान के गाड़ियां भी आ रही जा रही थी. हम लोगों को लग रहा था कि बहुत अंधेरा टाइप हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं था. बीच में थोड़ा सा सुनसान है, जो रोड है ना, क्योंकि वो खाली प्लॉट है, वहाँ पे थोड़ा सा होता है सुनसान, लेकिन ओके सीन था. हम लोग चीज़ लेकर आ चुके हैं और अभी इसने पता नहीं व्लॉग का भी कोई एक बात बताई है, तो वो हम देख रहे हैं किसी का व्लॉग, तो पता नहीं क्या उल्टी बातें आके बता दी दूसरों के ब्लॉग के बारे में. अभी हम लोग देख रहे हैं कि इनकी बात सच है कि नहीं है, नहीं होगी तो पिटेगी. अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी थी. अच्छा रोटी जो मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरी अम्मा ही रोटी बनाती हैं, तो मुझे इस चीज़ से बिल्कुल छुट्टी है रोटी या खाने वगैरह की तरफ से. तो अभी बस मैं कोशिश करी थी कि अच्छी सी रोटी बन जाए. आंटी भी आई हुई थी, अच्छा इंप्रेशन डालना था. वैसे आंटी को पता है कि मुझे इतना काम करना नहीं आता, लेकिन खैर ये मैं जल्दी जल्दी मैंने एक पेड़ा बनाया, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच करा, उसके बाद और इस पर खुश्की होती है, हाँ खुश्की लगाई, तवा अपना थोड़ा सा लो फ्लेम पे किया, ताकि फिर वो तवा जो ना जलने लग जाता है, तवा ख़राब हो जाता है, फिर मम्मा बहुत डांटती. फिर मैंने पेड़ा बना लिया और मैं बहुत परफेक्ट पेड़ा बनाती हूँ, ऐसे चाहे रोटी बुरी बने लेकिन पेड़ा परफेक्ट बनता है मेरा. फिर अब इसको दोबारा स्ट्रेच आउट करेंगे, फिर खुश्की लगाएंगे, फिर इसको बेलेंगे हम. अस्सलामुअलैकुम जी, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और हमारे घर पे दो कज़न्स की और एडिशन हो गई है. ये मेरा नील निकल गया. दो कज़न्स की और एडिशन हो गई है. एक अभीहा तो थी, वो रात में घर चली गई थी, अब इशल भी आ गई है और मेरी फ्रेंड भी आई हुई है. अभी उसको लेंस भी वॉश करवाने हैं और मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ. यहाँ पे हमारे यहाँ कुरानदाजी थी, मैं नींद जाती हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पर पता नहीं कुरानदाजी थी, गाड़ी वाड़ी निकलनी थी, तो उसका फंक्शन हो रहा है. अभी इतनी आवाम आई हुई है भाई माशाल्लाह.